ठीक है, आई थिंक वो मॉडल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो रिमूव हो गए हैं। बट डोंट वरी, आज हम स्प्लाइन का ही टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्प्लाइन के अंदर हमने बेसिक शेप्स के बारे में देख लिया था कि कैसे आप बेसिक शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन स्प्लाइन जो मॉडिफिकेशन है ना, स्प्लाइन के आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेप्स बना सकते हो। जैसे आप आर्म चेयर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, आप वहाँ पे नॉर्मल जो हमारी चेयर्स होते हैं वो भी आप बना सकते हो, आप एक मग बना सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो वन बाई वन करके एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि स्प्लाइन जो आपका एक फीचर है, मतलब 2D स्प्लाइंस को ना लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखिए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे गई, लेट सपोज मुझे लाइन पे वर्क करना है, लेट सपोज कि आपको एक कॉफ़ी मग डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, आप मॉडलिंग की टर्म जो है फिर आपको वो क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज कॉफ़ी मग, ठीक है, साइड से लीजिएगा इमेज को, जैसे ये आप चूज कर सकते हो, बट आपको लेना बस साइड से है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 इस तरीके का कॉफी मग आप बनाना चाहते हो, तो इस इमेज को हम सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने इसे सेव किया, देन आपको करना क्या है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या चूज़ करना है, यहाँ पे एक प्लेन चूज़ करना है, टॉप से या फिर लेफ्ट से आपको एक प्लेन को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल ये हमने प्लेन ड्रॉ कर दिया, अभी इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपको क्या करना है, उस कॉफ़ी मग का जो मटीरियल है, जो टेक्स्चर है, वो आपको अप्लाई करना है। तो मटीरियल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एम को प्रेस करते हैं, यहाँ से आपका ऐड हो जाता है। अभी देखिए, हम वर्क डेफिनेटली जब हम मटेरियल के टॉपिक पर शिफ्ट करेंगे तो हम स्लेट मटेरियल एडिटर को ही सीखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, लेकिन अभी के लिए जस्ट हमें टेक्सचर को ऐड करना है, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम यहाँ से मोड में से कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बस आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसा विजिबल होने वाला है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर डिफ्यूज़ के अंदर एक तो देखिए आपको कलर मिल रहा है, तो अगर आप डायरेक्टली इसे अप्लाई करेंगे ना, तो जो भी कलर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे ग्रीन कर रहे हैं तो आपको ग्रीन अपडेट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें टेक्सचर को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको एक स्लॉट मिल रहा है, इस स्लॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको बिटमैप को चूज़ करना है, क्लिक कर दीजिए एंड जहाँ पर आपने सेव किया है उसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसे ओपन करना है, ड्रैग करके आपको इसे अप्लाई कर देना है। आई थिंक किसी ने शेयर कर दी है स्क्रीन, देखिए, ठीक है। बट अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो कि अभी भी आपका जो मटेरियल है वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो अगर आप मटेरियल को विजिबल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं उसे हम वर्क स्पेस बोलते हैं, और मटेरियल के टर्म में हम उसे व्यू पोर्ट बोलते हैं कि हमें चीज़ें जहाँ पर दिख रही है, तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है उस पर्टिकुलर मटेरियल को देखने के लिए, इतना जस्ट आपको करना है। और ये हमने किस लिए किया है, ताकि हमें एक रेफरेंस मिल जाए कि कैसे आप चीज़ों पे वर्क करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे तो विजिबल हो रहा है, बट इस पोर्शन में विजिबल नहीं हो रहा है, रीज़न क्योंकि यहाँ पे आपका वायर फ्रेम सिलेक्ट है, तो आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होगी चीज़ें। इसके सेगमेंट्स को अगर आप चाहते हो तो आप वन बाई वन रख सकते हो, एंड देन वायर फ्रेम्स हम यहाँ पे किस में चेंज करने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट शेडिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है स्प्लाइन पे, यहाँ से आपको लाइन को चूज़ करना है, इनिशियल टाइप और ड्रैग टाइप को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, एंड देन यहाँ पे आपको चेंजमेंट करनी स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो क्लिक कर दीजिए एंड कुछ इस तरीके से आपको जस्ट इसका जो शेप है उसको आपको यहाँ पर ट्रेस करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मिड तक आएगा आपका, फिर एस्केप कर देंगे, तो ये आपका शेप बन गया। अभी इतना शेप बनने के बाद हमें क्या करना है,
यहाँ से हम जाएंगे टॉप पे, W को प्रेस किया और आपने इसे यहाँ से मूव कर दिया, तो आपके पास ना वो शेप आ गई है जिस शेप के ऊपर आपको वर्क करना है। अभी ये शेप आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं मॉडिफायर टैब में और यहाँ पे आप क्लिक करते हो और आपको कौन सा मॉडिफायर अप्लाई करना है आप बता सकते हो कोई भी, कि अगर हमें शेप को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। लेथ, लेथ मॉडिफायर, राइट। तो क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको शेप बन जाएगा। अभी आपको परफेक्ट नहीं लग रहा है, रीज़न बीइंग क्योंकि इसका अलाइनमेंट अलग अलग है, तो यहाँ पे आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम के अंदर जा रहा है ये और ब्लैक फेस बाहर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से फ्लिप नॉर्मल कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद अभी देखो ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से शेप्स मिल रही है, रीज़न क्योंकि इसके सेगमेंट कम है, तो हम इसके सेगमेंट को इनक्रीज़ करेंगे स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो शेप था ना, जो बेसिक शेप था, वो हमें मिल गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक हल्का सा थिकनेस है और हमारे शेप के अंदर थिकनेस नहीं है। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर थिकनेस ऐड करनी है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ करते हो शेल मॉडिफायर का, तो शेल मॉडिफायर आपको डालना और यहाँ से आपको एंटर कर देना है, तो उससे क्या होगा आपकी इसके अंदर थिकनेस ऐड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब आप शेल मॉडिफायर ऐड करते हैं ना तो आपको काफ़ी सारे तरीके के पैरामीटर्स मिलते हैं, तो इन पैरामीटर्स के ऊपर भी आपको वर्क करना होता है कि इनर अमाउंट क्या है, आउटर अमाउंट क्या है और सेगमेंट क्या है। सेगमेंट का रोल सेम है कि एक पॉलीगन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो शेल इसके बीच में है उसके बीच में एक ही सेगमेंट है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेगमेंट आप यहाँ पे इंक्रीज करते चले जाओगे उतने ज़्यादा वो सेगमेंट यहाँ पे बढ़ाता चला जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको वन ही रख लीजिएगा क्योंकि शेल हमें बिल्कुल कम ही रखना है। और इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन और है, इनर अमाउंट और आउटर अमाउंट। इनर अमाउंट होगा अंदर वाला पोर्शन, तो वो आपको कितना रखना है वो आप बता सकते हो, मिनिमम ये ज़ीरो रहेगा। और आउटर अमाउंट आपको कितना रखना है वो आउटर से बता सकते हो, ठीक है। तो आप इसको वन इंच रख लीजिए, इतना आपने किया। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बेवल एजेस। बेवल का मीनिंग पता है क्या होता है, बेवल का मीनिंग होता है कि आप एक शेप को एक्सट्रूड तो कर रहे हो, जैसे यहाँ पर ये चीज़ें हो तो गई, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल शार्प कॉर्नर मिल रहा है, जैसे ये 90 डिग्री के एंगल पे है। तो अगर आप इसको बेवल करना चाहते हो तो आपको यहाँ से बेवल एजेस के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होगा। लेकिन ये जितने भी ऑप्शन है ना, इसका अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली आपके मटेरियल से रिलेटेड है, तो जब हम मटेरियल का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम इन ऑप्शन के बारे में जानेंगे। बेवल एजेस का आप यूज़ कर सकते हो, बट उस केस में आपको स्प्लाइंस को चूज़ करना होगा, और स्प्लाइंस हम अलग से ऐड नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमने लाइन को चेंज किया है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट के अंदर शेल मॉडिफायर डालते हो ना तो आप वहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर कोई प्लेन है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को अवॉइड कीजिएगा। मीन हमारे जो मेन ऑप्शन है ना वो ये तीन है, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट और सेगमेंट। इसके अलावा आपको बाकी ऑप्शन पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप स्मूथनिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट होता है ये, वो उसका 45 होता है वैल्यू। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये हमने बनाया और फिर हम बाहर आ जाएंगे। भाई देखिए जो कप का शेप था वो हमारा बन गया है, लेकिन यहाँ पे एक ये वाला जो शेप है, जो हमारा हैंडल है, वो अभी हमारा बनाना बच रहा है ना, तो इसे अभी हम बनाएंगे। कैसे बनाना है इसे, सेम सबसे पहले तो आपको ट्रेस करना है उस पोर्शन को। तो ट्रेस कैसे करेंगे, लाइन कमांड पर जाएंगे और जस्ट इसका आउटर पोर्शन ट्रेस कर लीजिएगा फर्स्ट क्लिक, ऐसे करके ठीक है। अभी देखिए हम थोड़ा सा एडवांस शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे गए W को प्रेस किया एंड देन आपने इसे मूव किया, बिल्कुल मिड में कर दीजिएगा इसे, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट मिड नहीं पता तो कहाँ से आप लेके आओगे, तो उसके लिए देखिए आपको ऐसे जूम करके बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, जो कि होता है स्नैपिंग। स्नैपिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप नॉर्मली मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट मूव करना है तो आप यहाँ पे स्नैप का यूज़ करोगे। स्नैप के लिए जो शॉर्टकट होता है वो आपके लिए होता है S, तो जब आप S को प्रेस करते हो ना तो आपका स्नैप इनेबल हो जाता है, और या फिर आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो।
इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं पहले एक बार उसे समझ लेते हैं। तो उसके लिए लेट सपोज आपने बॉक्स लिया, एक बॉक्स आपने ये बनाया, एक बॉक्स आपने ये बनाया। आप चाहते हो कि ये जो आपने बॉक्स बनाया ये एग्जैक्ट इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। जब भी आपका स्नैप ऑफ होगा तो आप कुछ इस तरीके से इसे मैनेज करोगे कि भाई यहाँ से कर दिया, ऐसे आपने मूव किया, फिर आप लेफ्ट में जा रहे हो, आपने यहाँ से इसे इसे टॉप के अंदर मूव किया, फिर भी आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो उसके बीच में क्या होगा, गैप होगा, फिर आप थोड़ा सा बॉटम में लेके आओगे, फिर जूम करोगे फिर गैप हो जाएगा, फिर लेके जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी। फिर यहाँ से देख रहे हो, फिर जब आप लेफ्ट से देखोगे, टॉप से देखोगे, तब भी उसके बीच में चेंजमेंट आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा। तो एग्जैक्ट पॉइंट डालने के लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, आपको यहाँ पे यूज़ करना है स्नैप का। अभी कैसे वर्क करता है ये, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस को प्रेस करेंगे। अभी स्नैपिंग भी आपकी दो तरीके से होगी, एक तो होगा जहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर आपका ये वाला जो कंस्ट्रेंट है ये आपका ऑफ रहेगा, तो इसमें वो चीज़ सभी उसके अंदर इक्वल वर्क करती है कि आपने यहाँ से पिक किया किसी भी पॉइंट को और वो एग्जैक्ट आपने किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। एक तो तरीका ये है, इसके अंदर आपकी तीनों एक्सेस इक्वली वर्क करती है। आप चाहते हो कि भाई वन बाई वन एक्सेस पे वर्क हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऑप्शंस के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इनेबल एक्सेस कंस्ट्रेंट इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि ओनली वाई एक्सेस में मूव हो तो वाई को लॉक कर दीजिएगा और फिर आप मूव कर सकते हो ऐसे। अभी आप कर्सर को कहीं पर भी ले जाइए लेकिन आपका मूवमेंट सिर्फ कहाँ हो रहा है, वाई एक्सेस में। अगर आप सेम क्या करते हो, रेड पे क्लिक कर देते हो एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर आप मूव कीजिए तो आप कर्सर को कहीं पे भी लेके जा रहे हैं लेकिन मूवमेंट सिर्फ कहाँ हो रही है आपकी, एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से टॉप पे जाते हैं, सबसे पहले हम इस एक्सिस को लॉक करते हैं वाई एक्सिस को और यहाँ पे इसे स्नैप कराएंगे, फिर एक्स एक्सिस को लॉक करेंगे, फिर यहाँ इसे स्नैप कराएंगे और ऐसे ही टॉप एक्सिस को लॉक करना है और यहाँ पे इसे स्नैप कराना है, तो वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम हम किसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, इस लाइन के लिए। तो लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा, जिस एक्सेस में मूव करना है उस एक्सेस को लॉक कर दिया आपने, यहाँ पे आपने पॉइंट को पिक किया और इसके एज इट इज़ जो बिल्कुल सेंटर है उस पॉइंट पे आपने इसको शिफ्ट करा दिया। आई थिंक ये अभी तक शेल इसके अंदर है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं होली के अंदर, सो दैट इसके वर्टेक्स वगैरह में मिल जाए। फिर क्लिक कीजिएगा, एक्सेस एक्स एक्सेस लॉक कर दीजिए और यहाँ पे देन आपको शिफ्ट करा देना है। अभी के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं, फिर बाद में देखते हैं उससे क्यों वर्क नहीं कर रहे, कोई ना कोई रीज़न होगा, वो चेक करते हैं हम। तो लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे मिडल होगा इसका और इन तीनों के बीच में रहने वाली चीज़ें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने मूव कर दिया, इसके मिड में आ गया, फिर लेफ्ट से कर दीजिए। अभी ऐसा दिख रहा है तो उसको चेंज कर दीजिए वायर फ्रेम के अंदर और फिर यहाँ पे इसको क्लोज ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट के ऊपर चला गया। पॉइंट के ऊपर जाने के बाद आपको करना क्या है, इस ऑप्शन पे चले जाना और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये एडवांस है तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है एडिटेबल पोली के अंदर। पोली के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, वैसे तो बहुत डिटेल टॉपिक है लेकिन बिकॉज हम स्प्लाइन की हेल्प से ऑप्शन को ऑब्जेक्ट्स को बनाकर देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए आपको करना है क्या, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉलीगन, आपको पॉलीगन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको उन फेसेस को सिलेक्ट कर लेना है। अभी देखो कुछ ऐसा आ रहा है, इनफ है, इतना हमें ज़रूरत हो रहेगा इसका, है ना, और ऐसे ही बॉटम में रखेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया उसको ऑल्ट के साथ आप हटा सकते हो, तो दो ये वाले पोर्शन हो गए, दो ये वाले हो गए, एग्जैक्ट चेक कर लीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा एक्सक्लूड अलोंग स्प्लाइन, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन आपको स्प्लाइन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा, नीचे वाला एक्स्ट्रा जा रहा है तो इसे यहाँ पे कंट्रोल जेड कीजिए, नीचे वाले पोर्शन को हटा दीजिए
ओनली अपर वाला सिलेक्ट कीजिएगा, एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन एंड इसको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे वो ऐसा बना देगा। और जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके जाते हो और इसको सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आप वो भी चेंज कर सकते हो कि नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे, तो स्मूथ कितना करना है वो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। टैपर अमाउंट होता है, इस पर आप वर्क कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आपका कर्व होता है, तो टैपर कितना करना है कर्व को वो डिफाइन कर सकते हैं। ट्विस्टिंग आप बता सकते हो उसमें, ट्विस्टिंग तो नहीं रखेंगे, ज़ीरो ही रखेंगे डेफिनेटली, मतलब यहाँ पे बस आपको सेगमेंट्स को बढ़ा देना है ताकि वो चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, वर्टेक्स पे आपको जाना है और इस वर्टेक्स को बस यहाँ पे आपको कंबाइन करा देना है, देखिए अलग जा रहा है तो सिलेक्ट कीजिए और बस सिंपली बस इसको आपको मूव करा देना है ऐसे, तो ये देखो, तो ये आपका कप बन जाएगा। फिर दो एक ही ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और जैसे हमने ये शेप बनाई है ना, ऐसे काफ़ी सारी शेप बन सकती है। जैसे लेट सपोज आपको एक चेयर को बनाना है ना, तो हम एक चेयर का एग्जांपल, मतलब एक सबसे पहले तो रेफरेंस डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे इसे बैक करते हैं एंड यहाँ से चेयर, इस अभी के लिए बेसिक रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो कोई सिंपल सी चेयर देख लेते हैं अभी के लिए। तो ये भी काफ़ी इजी है, इजीली बन जाएगा इस टाइप का ऑप्शन भी। जैसे मैं कुछ इस तरीके की चेयर्स की बात करूँ, जैसे मान लीजिए इसी को ही बनाना है, तो इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं इमेज को चेयर, और यहाँ पे आपने इसे सेव कर दिया, ठीक है। बस सेम तरीका आपने क्या किया, यहाँ पे प्लेन लिया, यहाँ पर आपने एक प्लेन बनाया, थोड़ा सा इसको और स्केल कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे मटेरियल पे जाएंगे, तो एम को आपको प्रेस करना है, स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बिट मैप को सेलेक्ट करना है, क्लिक कर दीजिए इस पर, चेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसे ओपन कर दीजिए, अप्लाई कर देना है और देन यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। बेटर रहेगा कि अगर आपको बिल्कुल लेफ्ट में मिल जाए, ताकि आप इसको मतलब परफेक्टली उसे वो कर सको, स्नैप कर सको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं ट्रेस कर सको। तो अभी के लिए तो ठीक है, यही चूज़ करते हैं। यहाँ पर हम गए, यहाँ से आपने चूज़ किया लाइन, इसका ध्यान रखिएगा इनिशियल टाइप और कॉर्नर टाइप आप क्या रख रहे हो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी, बस इसका आपको ध्यान रखना है। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू को प्रेस किया हमने, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया डिफ़ॉल्ट शेडिंग, आई थिंक अगर साइड व्यू मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे यहाँ पे इसके अंदर मिल रहा है बिल्कुल, है ना, एक शेप मिल जाएगी बस हमें इसे यूज़ करते हैं। एम यहाँ पे बस चेंज करना है, क्लिक कर दीजिए और इसे सिलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद क्या किया, लाइन को सिलेक्ट किया और इसको आपने स्नैप करना स्टार्ट किया, तो पहले ये वाला शेप बनाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो शेप हम बना रहे हैं ना, इसी शेप का कॉपी उधर जाने वाला है, तो हम ओनली एक ही शेप बनाएंगे। तो ये शेप आपने बनाई, W को प्रेस कर दीजिए, इसे यहाँ पे मूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये शेप हमारे पास आ गया, अभी इसको क्या कर देना है आपको, अभी देखो इस शेप का जस्ट हमें ये पोर्शन चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है रेंडरिंग का, इस पर क्लिक कर देना है
और यहाँ पर आपको इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पॉट इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। ठीक है, फिर कितनी थिकनेस होगी इस पर्टिकुलर पार्ट की वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बता दीजिए, तो थिकनेस है इसको यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये शेप आपकी बन गई। फिर क्या करना है, इसी की एक कॉपी लेनी है। अभी कॉपी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है ना कि इंस्टेंस क्या होता है, कॉपी क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉपी लोगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो टॉप का भी प्रॉब्लम रहेगा, बट इसको सिलेक्ट करते इको प्रेस किया और शिफ्ट के साथ आपने इसे रोटेट किया। अभी देखो जब आप डायरेक्ट रोटेट करते हो ना तो ये ऐसे एंगल में जाता है 0.1 0.2 डिग्री के एंगल में। अगर आप चाहते हो कि परफेक्टली 90 डिग्री 110 डिग्री या फिर मतलब एक परफेक्ट वैल्यू है तो आपको ए को प्रेस करना है। ए को प्रेस करने से आपका एंगल स्नैप ओपन हो जाता है, फिर आप शिफ्ट को प्रेस कीजिए और फिर आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर लीजिए तो एग्जैक्ट हो जाएगा। कॉपी रखेंगे इसे, ओके कर देंगे, यहाँ पे इसे मूव कर देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वायर फ्रेम का डिफॉल्ट शेडिंग कर दिया। इसे सिलेक्ट करेंगे, किसकी कॉपी लेंगे, बट कॉपी फिर दूसरी डायरेक्शन के अंदर चाहिएगी। नहीं ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं इसे, है ना, ये वाला वर्क नहीं करा। अगर टॉप से होता तो डेफिनेटली हो जाती कॉपी, बट हम डायरेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इतना पोर्शन होगा तो सिलेक्ट किया। अभी देखो ये भी एक स्प्लाइन है, ये भी एक स्प्लाइन है, देन हमें क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है इस तरीके से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी एक स्प्लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा, मॉडिफाई ऑप्शन पे जाना है। तो ये ऑलरेडी ना सारे आपको एडिटेबल स्प्लाइन के जो ऑप्शन होते हैं ना वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एडिटेबल स्प्लाइन में, सो दैट जो लाइन है वही कम्प्लीटली आपकी चेंज हो जाए। कोई एक दो ऑप्शन अगर विजिबल नहीं है तो सारे विजिबल हो जाएंगे। अगर आपको दो स्प्लाइन को अटैच करना है एक दूसरे से, एक आपको पोर्शन बनाना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्प्लाइन करके, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अटैच, क्लिक कर दीजिए और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। तो वो अभी क्या होगा कि जो दो ऑब्जेक्ट अलग अलग थे वो अभी एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ऐसे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अटैच कर सकते हो, एक पोर्शन बना सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी, सो दैट ये चीज़ें कनेक्ट हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, टॉप पर चले जाइए और यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको सेकंड क्लिक करना है। ठीक है, शिफ्ट को प्रेस कर सकते हो अगर स्ट्रेट जाना है बिल्कुल ऐसे, फिर एस्केप कर दीजिएगा, डब्ल्यू, स्प्लाइन को सिलेक्ट किया, इस स्प्लाइन को सिलेक्ट कर आपने इसको मूव कर दिया ऐसे अप की तरफ। और अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे जाना है तो सेम स्नैप को ऑन किया, यहाँ पे टॉप एक्सिस को लॉक कर दिया और यहाँ पे आपने इसे मूव कर दिया इसे। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट चली जाएगी। फिर ऐसे इधर लेके जाना है तो इस एक्सिस को मूव कर दीजिए और यहाँ पे आपको ऐसे लॉक कर देना है। अभी देखो ये दोनों चीज़ें अलग अलग आ रही है दोनों, है ना, तो हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों को अटैच करना होगा। अभी देखो इसे आपने देखा होगा ना नॉर्मली, अगर दो चीज़ें अलग अलग है, मान लो दो पाइप्स अलग अलग हैं, हमें उसको एक बनाना है, तो हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करवाते हैं। तो ऐसा ही ऑप्शन इसके अंदर भी है कि आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, वेल्ड कर सकते हो। और क्या वेल्ड करना है हमें, यहाँ पे वर्टेक्स वेल्ड करना है, पॉइंट्स को वेल्ड करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वर्टेक्स, इस पर क्लिक कीजिए, दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल करेंगे
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेल्ड, तो इस पर क्लिक कर देना, तो ये क्या करेगा, एक बना देगा उसे। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और इसे यहाँ पे वेल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको एक बार वर्टेक्स सेलेक्ट किया, इसे यहाँ पे मूव कर दिया। बस मैं इसको मूव कर रही हूँ ना, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। अभी वेल्ड करेंगे इसे, सेलेक्ट एंड यहाँ से हम इसे करेंगे वेल्ड। अभी वेल्ड हो गया, देखो क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में थे, दैट्स व्हाई वो वेल्ड नहीं हो रहा था। जैसे अभी यहाँ पे अलग अलग है, सिलेक्ट करेंगे उसे वेल्ड करेंगे तो वो एक पोर्शन बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी इमेज में देखोगे तो इमेज के अंदर क्या है, ये चीज़ें यहाँ पर स्मूथ जा रही है, बिल्कुल कर्व के अंदर जा रही है। तो अगर आपको कर्व करना है ना चीज़ों को, तो सिलेक्ट कर लीजिए वर्टेक्सेस को और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा फिलेट, तो आपको क्या कर देना है, इसको फिलेट कर देना है ऐसे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्मूद हो जाएगा, बट एक लिमिटेड पोर्शन के अंदर ही होती है वो चीज़ें। तो सिलेक्ट किया दोनों पॉइंट्स को और यहाँ से आपने इसको फिलेट किया। ठीक है, ज़्यादा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम करना है, फिर बाहर आ जाना है। अभी जैसे नीचे वाले पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ऐसे ऊपर वाले को करोगे, लेकिन देखो नीचे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, बाहर वाला पोर्शन हल्का सा बाहर है। तो एक बार साइड से देख लीजिए उसे, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से वायर फ्रेम ओवरराइड में। ठीक है, इनफ है ना यहाँ पे, तो बस वही कर लेना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे स्प्लाइन अगर अलग से सिलेक्ट हो रही है तो अलग से काफ़ी ठीक है, नहीं वो एक ही बन चुका है ना वेल्डिंग के बाद। तो क्या करेंगे हम यहाँ से वापस से एक लाइन को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको चले जाना है क्रिएट लाइन के ऑप्शन पे, स्नैप को ऑन कीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक बनानी है, एस्केप कर दीजिए। फिर क्या करना है, पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, क्रिएट लाइन का ऑप्शन ऑफ किया, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसे वेल्ड कर दिया, तो वो एक बन गया। ऐसे इधर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इसको भी आपने वेल्ड कर दिया। फिर क्या करेंगे, पॉइंट सिलेक्टेड है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, देन इसे यहाँ पे फ्लिट कर देना है ताकि वो पोर्शन आपका स्मूथ हो जाए। और जब आप फ्लिट करो तो दोनों को साथ में करिएगा फ्लिट। ठीक है, सिलेक्ट किया आपने यहाँ पे और फ्लिट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो इतना ही रखेंगे इसे। ये शेप बन गया हमारा, है ना। और जैसे आपने ये शेप बनाया, ऐसे ही आप क्या करोगे, अंदर वाला शेप बना लोगे। अच्छा, एक हमने गड़बड़ ये कर दी कि जब हमने ये शेप बनाया था ना, उस टाइम हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी कि हमें इसकी कॉपी ले लेनी चाहिए थी, ताकि आप इसी शेप को यहाँ पर क्या कर सको, कॉपी कर सको, मतलब जिस टाइम एक्सट्रूड करना था। बट ठीक है, हम इसको फिर से बनाएंगे या फिर एक दफ़ा इसकी कॉपी लेके देख लेते हैं, अगर वर्क करता है तो। ओके किया यहाँ पे, यहाँ पे कॉपी किया हमने, तो हम इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे। यहाँ पे हम स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इन स्प्लाइंस को आपको रिमूव करना है, क्योंकि इस पोर्शन तक चाहिए, तो इसको भी डिलीट कर दीजिएगा, जस्ट स्प्लाइंस को डिलीट करना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, हो गया ये पोर्शन। बस फिर क्या करना है, यहाँ पे इन पोर्शन को डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास एक लाइन बच जाएगी। फिर इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको एक मॉडिफायर लगाना है, एक्सट्रूड मॉडिफायर क्लिक कर दीजिए, जितना अमाउंट आपको देना वो अमाउंट आप डिफाइन करोगे ऐसे। ठीक है, ऐसे किया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये वाला शेप बन चुका है, तो बस अभी इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे शेल देना होगा ताकि थिकनेस आ जाए। तो मॉडिफायर पे जाइए,
और इससे पहले अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो और नहीं भी चाहते तो आप शेल मॉडिफायर डायरेक्ट डाल दीजिए, तो इसके अंदर वो थिकनेस आ जाएगी। ये देखो ऐसे इस तरीके से, फिर कितना अमाउंट का थिकनेस देना वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद बस इतना इनफ रख सकते हो, इतना किया आपने। देन जो ये वाला पोर्शन है इस, ये भी सेम तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो कर लेते एक बार इसे भी, है ना। लाइन पे गए और यहाँ से आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ठीक है, एस्केप किया यहाँ से और फिर मॉडिफायर पे गए और यहाँ से इनेबल इन रेंडर एंड इनेबल इन व्यू पोर्ट। तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे जाते हैं, वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं और इस वर्टेक्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। नहीं ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये किया, इसके अलावा बाहर चले गए, स्नैप को ऑन किया, एक्सेस को लॉक किया एंड देन आपने यहाँ पे इसे मूव कर दिया टॉप। स्नैप को ऑफ किया, इसको हल्का से इधर ले जाना है ताकि वो एक दूसरे से मिक्स ना करें। इसके बाद इसकी कॉपी एक यहाँ पे लेंगे, तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप इसकी कॉपी ले लेंगे। टॉप पे जाएंगे, इसको भी यहाँ पे आपको स्नैप कर देना है और फिर हमें क्या करना है, सेम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए पहले इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। स्प्लाइन को किया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, अटैच कर दे, इसको आपने सेलेक्ट कर दिया, अटैच को ऑफ कर दीजिए। वर्टेक्स पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है इसको आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मूव करा देना है ताकि अटैच हो जाए दूसरे से, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका। अभी देखो यहाँ पे तो ऐसे ही है लेकिन पीछे से वो अटैच्ड है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट लाइन। ठीक है, इसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने से क्या होगा कि आपको वही ऑब्जेक्ट दिखेगा, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, तो इसे आइसोलेट कर लेना है। टॉप पे चले जाना है और यहाँ पे स्नैप को ऑन करके आपको ऐसे एक लाइन को ड्रॉ करना है। वेल्ड वर्टेसेस यस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिएगा पहले। ठीक है, फिर एस्केप कर देना, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे इसे। क्रिएट लाइन के ऑप्शन को ऑफ किया, सेलेक्ट किया वर्टेक्स को एंड देन हम यहाँ से इसे वेल्ड करेंगे ऐसे ही। इन दोनों वर्टेक्सेस को यहाँ पे वेल्ड कर दीजिए इसे, फिर सेलेक्ट करना है इसे भी एज वेल एज इस ऑप्शन को भी, और फिर यहाँ पे आप इसे फिलेट करेंगे। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, फिर बाहर आ जाइए, आइसोलेट को ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए ताकि सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखे एंड देन सिंपली आपको क्या कर देना है, इसे कनेक्ट कर देना है। देखो थोड़ा सा इसके अंदर गैप है, सिलेक्ट इस पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इन दोनों को, ठीक है,
और इतना बनाने के बाद बस क्या कर देना है आपको, ये जैसे ये अलग ऑब्जेक्ट था, ये अलग ऑब्जेक्ट था, तो हम क्या करेंगे, जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये लाइन है तो लाइन 2D के लिए वर्क करता है, बट राइट नाउ हमने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया है, तो बस इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर दीजिएगा एडिटेबल पोली में, एलिमेंट को सिलेक्ट करना, और जैसे आप यहाँ पे लाइंस को ऐड करते हो वैसे आप यहाँ पे इसे भी अटैच कर सकते हो, तो इसे अटैच कर देना और इसे अटैच कर देना, तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एट द एंड आपको क्या करना है, इसके अंदर स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई कर देना है, तो स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाइए और स्मूथ सर्च कर लीजिए, और फिर कितना अमाउंट देना है वो अमाउंट डिफाइन कर दीजिएगा, फिर बाहर आ जाइएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्प्लाइन मॉडलिंग कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट है आप लोगों का इस चीज़ के अंदर, मतलब स्प्लाइन मॉडलिंग आपको सभी को अच्छे से समझ आ गई है, पूरी ऑब्जेक्ट की हद से कैसे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है। हेलो मैम, हाँ जी बताइए मैम, आप एक्सिस को लॉक कैसे कर रहे हैं? एक्सिस को सर ऐसे लॉक कर रहे हैं, देखिए राहुल यहाँ पे आपको स्नैप दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन ना इनेबल होना चाहिए एक्सिस कंस्ट्रेंट का, जब तक ये ऑप्शन ऑफ रहेगा ना तब तक आप लॉक नहीं कर पाओगे। लॉक करने के लिए बस आपको करना इतना है कि मान लो आपने बॉक्स लिया और आप इसे लॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो आपको तीन एक्सेस दिख रही है ना, एक्स एक्सेस दिख रही है, वाई दिख रही है, जेड दिख रही है, तो जो भी जिस पे भी आप वर्क करना चाहते हो जस्ट आपको उस पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वो पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा, तो जो अभी वाई वाली एक्सेस थी, ग्रीन एक्सेस थी, वो आपको येल्लो कलर की शो हो रही है, तो आप अगर आप एक्स एक्सेस को लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो तो अभी वो आपको येल्लो शो हो रही है, फिर आप मूवमेंट करोगे तो ओनली एक्स में होगा, Y को लॉक करो फिर मूव करो तो ओनली Y में होगा, Z को लॉक करो फिर मूव करो तो ओनली Z में होगा, ऐसे होता है एक्सेस लॉक। क्लियर है आपको? ओके मैम, हाँ जी, यस मैम, यस मैम। ओके, अभी है ना एडिटेबल स्प्लाइन का हमने ओवरव्यू ले लिया है कि कैसे सारे ऑप्शन वर्क करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर और डिटेल में जाना है क्योंकि ऑप्शंस के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर बच जाते हैं। जैसे आप कोई भी एक लेट सपोज मैंने ये लाइन लिया, ठीक है, जब आप इसके अंदर जाएंगे ना कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, तो आप देखोगे कि ये ऑप्शंस तो इजी हैं कि रेडियल के अंदर कर रहे हो तो वो रेडियल सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है, रेक्टेंगुलर कर रहे हो तो वो रेक्टेंगल जा रहा है कि एक्स में इतना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिर विड्थ कितने जा रहे हैं तो विड्थ भी बता सकते हैं, इसका भी हम यूज़ देखेंगे जब हम वॉल मॉडलिंग करना सीखेंगे, तो ये तो चीज़ें हैं। इसके अलावा ना काफ़ी सारी चीज़ें और हैं कि फिलेट हमने देखा कि कैसे यूज़ करना है, चैम्फर क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, बुलियन क्या होता है, मिरर क्या होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें भी बच जाती हैं। ये हम टॉपिक बाय टॉपिक नहीं चलेंगे, मतलब कमांड वाइज नहीं चल रहे हैं हम, यहाँ पे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके देखा ना ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करके देखेंगे, फिलेट आपको समझ में भी आता रहेगा कि कैसे वर्क करना है उस पर। आपका डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो अभी के लिए। ठीक है, सो आई थिंक सभी को क्लियर है आज की क्लास, राइट? तो मैं आप लोगों को दो या तीन रेफरेंस, हाँ जी तुषार बताइए मैम, जैसे 3D Max की फाइल को DVD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 3D Max की फाइल को DVD में, DVD आर्किटेक्चर Revit के अंदर, Revit के अंदर आपकी आई थिंक OBZ फाइल चलती है, राइट? यस मैम, है ना, तो यहाँ पे हो सकता है वो एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो आपको फाइल को सेलेक्ट करना है, आपको मिल जाना चाहिए, सेलेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना मेल के ऊपर ही दो या तीन रेफरेंस इमेज भेजूंगी, तो आप अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तभी आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो ट्राई कीजिएगा कि आप स्प्लाइन मॉडलिंग की प्रैक्टिस करें थोड़ा, फिर कल हम इसके जो बाकी के डिटेल्स ऑप्शन है वो हम कवर करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही है, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास को लीव कर सकते हो।